बहराइच में दंगा करा रहे थे बीजेपी नेता, चारों तरफ मची सनसनी। भाजपा ही निकले दंगाई, सामने आया दंगाई मास्टरमाइंड का नाम। यूपी उपचुनाव से है खास कनेक्शन, जाने कैसे खुली भाजपाइयों की पोल। अब कहां मुंह छुपाएगी प्रदेश की भाजपा सरकार, अब क्या जवाब देंगे सीएम योगी, अब कहां गए भाजपा के नेता मंत्री। आखिरकार सच साबित हुई अखिलेश यादव की बात, जो उन्होंने मीडिया से कही थी कि ये सिर्फ प्रदेश सरकार की नाकामी है, क्योंकि वही बात अब बीजेपी विधायक भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के रहते हुए उनकी बेटे की हत्या करने की कोशिश की गई। अब आप सोचिए, जब योगी सरकार में खुद भाजपा विधायक और उनका परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। जी हाँ, बहराइच हिंसा का आज नवा दिन है, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। बहराइच में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित 8 लोगों पर दंगा फैलाने, पथराव करने और जान से मारने की कोशिश करने के आरोप लगाए गए हैं। विधायक का दावा है कि 13 तारीख को बहराइच में हुई हिंसा के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जब वह मौके पर पहुंचे तो उन पर पथराव और फायरिंग की गई। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, तो देखा आपने, इस तस्वीर में दिख रहा शख्स अर्पित श्रीवास्तव है, जो किसी ऐसे वैसे नेता के साथ नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिख रहा है। अब आप खुद सोचिए, बहराइच हिंसा में जो आरोप पहले से ही पुलिस प्रशासन पर लग रहे थे, जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि बहराइच में दंगे खुद भाजपा ने ही करवाए हैं, अब बीजेपी विधायक ने सरकार और अपने ही पार्टी के नेताओं की पोल और पट्टी खोल दी है। बता दें, नगर कोतवाली में दर्ज विधायक महसी सुरेश्वर सिंह की FIR के मुताबिक 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई हिंसा में राम गोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। वो अपने सहयोगियों के साथ शव रखे लोगों से मिलने जब पहुंचे, इसके बाद DM से मिलने CMO कार्यालय पहुंचे, जहां CMO संजय कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट लालनी प्रभाकर भी मौजूद थी। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मर्जरी ले जाने लगे। इसी दौरान कुछ आरोपी उपद्रवियों अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुष्मेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा समेत अज्ञात भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। शव मर्जरी में रखवा कर वह और DM जैसे ही आगे बढ़े, उन पर हमला कर दिया गया। विधायक जी के मुताबिक कार को रोकने और पत्थरबाजी करने की भी कोशिश हुई, इसी दौरान भीड़ ने फायरिंग की जिससे कार का शीशा टूट गया। घटना में बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बचा। वही जो खबर निकल कर आ रही वो ये कि CCTV फुटेज से घटना स्पष्ट होने की बात सामने आई है। वही हमले में शामिल आरोपी अर्पित के BJP नगर अध्यक्ष होने की पुष्टि हुई है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने, हत्या का प्रयास, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने, मारपीट सहित अन्य धारा में केस दर्ज कर लिया है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि पहले से हमारा इन लोगों से कोई विवाद नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र झारखंड में चुनावों की वजह से ये हिंसा करवाई गई, या फिर UP में उपचुनाव को लेकर जानबूझकर BJP के आरोपी नेताओं द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इन्हें किसने आदेश दिया? क्या ये आदेश BJP आला कमान से था कि हिंदू मुस्लिम की आग में जनता को झोंक कर इसका सियासी फायदा लिया जा सके? बाकी आप खुद समझदार हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। पहले विपक्ष, अब खुद BJP विधायक ने योगी सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है कि कैसे ये लोग दंगा करने में सफल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, UP न्यूज़।